अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे है जी सुबह का टाइम, तो घर के काम शाम हो रहे हैं। उस्मा और उसकी बेटियाँ जो है आई हुई हैं, और जब वो आ जाती हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सारे घर का काम भी मिनटों में हो जाता है और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बाकी ये ऊपर के जो काम होते हैं वो मैं खुद ही फिर समेटती रहती हूँ। डस्टिंग वगैरह भी ये मैं करती रहती हूँ, और मतलब अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ मॉर्निंग से ही आजकल। तो यहाँ पे जी कुछ बुक्स जो है ना, वो मेरी बेटी ने अभी पढ़ के उठी है, तो मैंने कहा चलो मैं अभी इसकी सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि छुट्टी थी आज, तो इसलिए आज उसने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, क्योंकि आज उसने कहीं जाना भी था। तो बस बैग पैक कर लिया है, और टेबल को मैंने काफ़ी दिनों से क्लीन प्रॉपर नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज इसको भी ज़रा चीज़ें हटा के ना साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपने टेबल कहाँ से ली है। तो ये टेबल मैंने मुल्तान से ही ली है, क्योंकि मैं मुल्तान में रहती हूँ, तो हम लोगों ने यहीं से ली थी। और ये 4 चेयर्स की है। अब तो खैर बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन और बड़े अच्छे अच्छी प्यारी प्यारी डाइनिंग टेबल्स जो है ना वो आई हुई हैं। तो ये मैंने ली थी तकरीबन, इसको 3-4-5 साल तो हो ही गए आई थिंक, इसको काफ़ी पुरानी है ये। और बस टेबल मैंने सेट कर ली है, तो थोड़े से नाश्ते के बर्तन जो है वो रखे हुए थे, मैंने कहा इनको ज़रा साफ़ कर लूँ जल्दी से। और इसके बाद मैंने अभी तक स्टोव साफ़ नहीं किया, और स्टोव का तो काम ऐसे होता है ना कि दिन में 3 से 4 बार करना ही पड़ता है, एक खाने से पहले एक खाने के बाद, तो 3-4 बार तो इसकी सफाई हो ही जाती है। अभी रात से ये थोड़ी थोड़ी इस पर मिट्टी आई हुई थी, देखने में तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है लेकिन क्लीन नहीं है, थोड़ी थोड़ी इसमें मिट्टी और आटा जो है ना थोड़ा बहुत इसमें पड़ा हुआ था, तो बस इसको मैं पहले साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मुझे ना बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है कि आपकी क्या लव मैरिज है। बिल्कुल मेरी लव मैरिज है, और दोनों तरफ से ही थी लव मैरिज। और मैंने ज़िंदगी में जो है ना बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी ऊंच नीच देखी हैं लाइफ में। मैं जैसी आज हूँ मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई और मैं ख़ुद भी बहुत चेंज हो गई हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा मैं भोली होती थी, मुझे कसम से मुझे ना समझ नहीं होती थी, मैं समझती थी जैसे मैं सोचती हूँ ना हर कोई वैसे ही सोचता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ज़िंदगी ऐसी नहीं होती और लोग भी ऐसे नहीं होते, ज़िंदगी जो है ना वो डिफरेंट होती है। और खैर अब तो मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। अच्छा, मैं ना आज मूंग दाल का हलवा बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं 2 कप जो है ना मूंग दाल मैंने निकाली है, और उसको मैं धो के रख लूँगी भिगोने के लिए। तकरीबन मैं इसको 3 से 4 घंटे भिगोऊँगी। और अच्छा, चने की दाल का हलवा बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मूंग दाल का हलवा भी आप बना के देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिमिलर टेस्ट है, एक जैसा ही टेस्ट है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, मैं आपको डिटेल से ना सिंक साफ़ करना सिखाती हूँ अभी। आप कोई भी हार्पिक ले लें या कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले लें, उसको आपने स्पंज पे या स्क्रबर पे इस तरह से डालना है, और पूरे सिंक पे आपने इस तरह से इसको स्क्रब करना है, लगा देना है। ये कोने कोने में आपने लगाना है, जहाँ पे आपको लगे कि हार्ड स्टेन है और डार्क ब्राउन जैसे स्टेन पड़ जाते हैं ना पानी के, क्योंकि आजकल पानी बहुत ख़राब है तो उसके काफ़ी हार्ड स्टेन्स पड़ जाते हैं। आपने उसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लेना है। आप अपनी टूटियों को भी और टैप को भी इसी तरह साफ़ कर सकते हैं। इसको लगा के आपने, अगर आप चाहें, अगर आपके बहुत ही हार्ड स्टेन्स पड़े हुए हैं आपके सिंक पे, तो आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आपने इस तरह लाइनें लाइनें लगा के वॉशरूम की तरह आपने नहीं धोना, ठीक है? अगर लाइनें पड़ भी गई हैं तब भी आप इस तरीके से अगर वॉश करेंगे अपना सिंक तो बिल्कुल चमक जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखें अपने ग्लव से मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, और स्क्रब की मदद से भी कर रही हूँ, इसकी मदद से भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये वाले ग्लव पहन लो तो फिर आपको स्क्रब या स्पंज यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको देखें अभी छोड़ा भी नहीं है, और फ़ौरन ही मैं पानी से इसको वॉश कर रही हूँ। अगर आपने डिटेल में सफ़ाई करनी है, अच्छा मैंने एक टूथब्रश रखा हुआ है किचन में ही, ये डिटेल सफाई के लिए मैंने रखा हुआ है।
जब मैं एक दफ़ा पता नहीं किसी ने देखा तो कहा कि आप हाय हाय आप इसमें यहाँ ब्रश भी करती हैं, तो मैं यहाँ ब्रश नहीं करती हूँ, ये डिटेल में सफाई के लिए ब्रश यूज़ होता है। तो अभी देखिए मैं आपको पूरा ड्राई करके दिखाती हूँ किस तरह से ये इतना ज़बरदस्त हो गया, ऐसे लगता है कि नए नए बस अभी लगवाया हुआ है, और कोई इसकी चमक ख़त्म नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। आप इसको महीने में एक बार ही ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके जो सिंक वगैरह हैं वो बिल्कुल चमक जाएंगे। और मेरे पास ये एक हुक्स पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि फ्रिज के पीछे से लगा देती हूँ। तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो कि मैं ट्राई करती रहती हूँ घर में, और बड़े काम के भी होते हैं। और ये इस तरह से इसके ऊपर मतलब ग्लू लगी होती है तो ये कहीं भी चिपक जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर दीवार पे, वैसे कम ही चिपकते हैं, टाइल्स पे बड़े अच्छे चिपक जाते हैं, या कहीं अगर फ्रिज वगैरह की बैक साइड हो तो वहाँ भी बहुत अच्छे चिपक जाते हैं। शीशे वाली जगह पे आई थिंक ये नहीं चिपकते, ये पता नहीं, शायद चिपक जाते हों। बहरहाल मैंने इसको पीछे लगा दिया और ये मेरा डस्टर, इसको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी बेचारा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मैंने कहा चलें ये फ्रिज के पीछे इसको लटका देती हूँ, ये नज़र भी नहीं आएगा और मेरी पहुँच में भी रहेगा और बुरा भी नहीं लग रहा, मतलब छुपा छुपा सा हुआ है। अभी आई हूँ मैं सेहन में और मैंने सोचा कि मैं धनिया और पुदीना जो है वो प्लांट्स में लगा देती हूँ, किस तरह लगाऊँगी आपको सारा बताती हूँ। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं सारे, इनको भी मैंने सेट करना है, मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है तो इंशाल्लाह इसको भी मैं सेट करूँगी बस कुछ दिनों के अंदर। अभी चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास प्लांट्स हैं या नहीं हैं और मैं किस तरह से लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आज मंगवाया था मटन, क्योंकि भाई बड़ी ईद वाला मटन तो ख़त्म हो गया, ये मत समझिएगा। अब मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ मैं फ्रेश मंगवाती हूँ क्योंकि वो ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने उसको अभी फ्रीज़र में रख लिया है क्योंकि आज मुझे खाना मतलब क्या बनाना है वो, खैर वो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एक लकड़ी की टेबल मेरे सेहन में पड़ी हुई है ना, ये काफ़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ पॉट्स रखे हुए थे, प्लांट्स रखे हुए थे, तो मैंने ज़रा उसको साफ़ कर लिया। और यहाँ पे मिट्टी की छोटी सी परात थी, मैंने सोचा इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया लगा देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पॉट्स ख़रीदने की या कुछ भी करने की, धनिया तो हर किसी के घर में होता है। अच्छा, मैंने हाथ से थोड़ा सा ना क्रश करके धनिया डाला है और उसको मैंने मिट्टी की एक पतली सी लेयर से ना कवर कर दिया है, और क्रश करने से ना क्या होता है कि जल्दी निकलते हैं धनिया के जो होते हैं ना पत्ते, वो जल्दी निकलते हैं, सीड्स जल्दी ग्रो होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रे बॉटल पड़ी हुई थी तो ये ग्लास क्लीनर, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल दिया है और उससे मैंने ऊपर पानी का सारा छिड़काव कर दिया है। अब ये एक और पॉट है तो इसमें मैं लगा दूँगी पुदीना। अच्छा, पुदीना के बीज का तो मैंने खैर कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, शायद उससे बहुत लेट निकलते हों, लेकिन जो आम घर में पुदीना आता है हमारे, उसमें से जो सूखी डंडियाँ होती हैं वो तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, सिर्फ पत्ते निकाल लेते हैं, तो आप उनको फेंकें नहीं, अगर वो सूख भी गई हैं ना थोड़ी थोड़ी तो फिर भी आप उसको लगा दें किसी पॉट में, कुछ दिनों बाद ही वो उसमें से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बड़े काम की चीज़ है। ये जो पॉट है मेरे पास, ये तो खैर काफ़ी मिट्टी इसकी काफ़ी गीली है, तो इसके अंदर मैं लगा रही हूँ टमाटर का पौधा, तो मैंने कहा शायद ये भी हो जाए अल्लाह के हुक्म से, तो मैंने टमाटर मंगाया है, उसके बीज सिर्फ जो है ना अंदर वाले वो मैं निकाल निकाल के ना वो मैं डाल रही हूँ थोड़े थोड़े फासले पर कि शायद इसमें से भी निकल आए। तो ट्राई करते रहना चाहिए चीज़ों को, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी और लगे रहना चाहिए। इंसान स्ट्रगल जब करता है तो अल्लाह ताला फिर उसको ज़रूर फल देता है, और मेहनत का फल और अजर जो है ना ज़रूर मिलता है। और देखें यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं जी इस टेबल के ऊपर, बहुत अच्छे लग रहे थे, और एलोवेरा मेरी इतनी ज़्यादा हो गई, अब इसका क्या करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि पुदीना को धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हरा धनिया जो होता है उसको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है, इसलिए पुदीना मैंने यहाँ रख दिया है और जो धनिया है ना वो मैंने धूप वाली साइड पर रखा है।
अच्छा, कुछ डंडियाँ मेरे पास बच भी गई थी तो मैंने उनको ग्लास में लगा के ना और उसमें पानी भर के रख लूँगी, तो इंशाल्लाह इसमें से भी छोटे छोटे पत्ते जो है ना वो कुछ दिनों में निकलने लग जाएंगे। बस ये कि आपने 2-3 दिन बाद ना इसका पानी चेंज कर लेना है। चलें जी, अब बारी आती है खाने की, क्योंकि मुझे ये काम करते करते भी काफ़ी टाइम हो गया था और खाने का टाइम भी हो रहा था, भूख भी थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी, तो बस मैं यहाँ पे आज फ्रेश जो है ना लहसुन कूट रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बना हुआ नहीं है, टाइम ही नहीं बिल्कुल मिल पा रहा कि मैं बना के रख लूँ। तो बस यही होता है ना कि जब आप अकेले हो जाते हैं तो ज़रा चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। अभी तो खैर मेरे पास हेल्प है, उस्मा है, उसकी बेटियाँ हैं, तो काफ़ी खैर मुझे हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, मैं आज बना रही हूँ मटर कीमा, और मटर मेरे पास फ्रीज़र में थे तो सोच सोच के अभी आज मैं कुछ और बना रही थी, सोची थी चिकन निकाला था, तो जब मैंने मटन मंगवाया तो फिर मटन भी फ़ौरन आ गया, तो मैंने कहा चलें फिर कीमा काफ़ी दिनों से खाया नहीं है, बेटी को भी पसंद है और हस्बैंड को भी पसंद है, तो कीमा बनाते हैं। तो कीमे की बड़ी मज़े की रेसिपी है, मैंने जी डाला, और ये खुला वाला पैन ना मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ ताकि आपको नज़र भी आए, वरना मुझे ये है कि कुकर में मुझे बड़ा मज़ा आता है बनाने का। अच्छा, मैंने ऑयल डाला और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं, प्याज थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं क्योंकि कीमे के अंदर ना प्याज अच्छे लगते हैं। अच्छा, प्याज जब तक हो रहे हैं तो यहाँ पे मैंने दाल देखें भिगो के रखी हुई थी और ये काफ़ी फूल गई थी, पानी इसने बिल्कुल ही अपने अंदर सोक कर लिया था, तो मैं अब इसको जो है वो ग्राइंड कर लूँगी जग में डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी। तो मैं इसकी रेसिपी जो है वो 1 कप के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए और आप कम क्वांटिटी में बना के देखें, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मेरा क्योंकि मीठे का ज़रा खाने के बाद दिल करता है तो कोई भी मीठा मेरे पास काफ़ी दिनों से था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो ये मैं बना के रख लूँगी तो थोड़ा थोड़ा मैं खाती भी रहूँगी और अम्मी के घर भी भेज दूँगी। अम्मी ने तो खैर नहीं खाना, उनको शुगर है, हाँ ये है कि मेरी बहन खा लेगी और मतलब बाकी सारे खा लेंगे। तो मैंने उसको ब्लेंड करके रख लिया था, साइड पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। यहाँ पे कीमे की तरफ आते हैं तो मैंने अदरक और लहसुन दोनों ही मैंने कूट लिया था फ्रेशली। अच्छा, फ्रेशली कूटने का ना अपना ही मज़ा है, इसका और ही टेस्ट होता है। इसके बाद मैं इसमें साबित गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़े से तेज़पात, थोड़ा सा दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, बस इसको भून लूँगी और टमाटर डाल दूँगी। इसके बाद इसको ढक दूँगी ताकि टमाटरों का छिलका जो है ना वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं निकाल लूँगी। अच्छा, मैंने लिया है 1 कप देसी घी और 2 कप मूंग दाल है, तो 1 कप देसी घी काफ़ी रहेगा। अगर ज़रूरत होगी 1-2 चम्मच तो मैं बाद में आपको बताती हूँ कि किस स्टेज पे ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप देसी घी गरम कर लिया, इसके बाद मैंने इसमें ये जो पेस्ट बनाया हुआ है सारा ही इसमें डाल दूँगी। अभी आपको एकदम लगेगा इतना और इतना घी, इतना ऑयल, ऐसा नहीं है, अभी देखिएगा ये बिल्कुल ऑयल जो है, घी जो है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसका वेट करूँगी जब तक कि ये भुनाई पे आएगा। यहाँ पे देखें टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं और मैं इसका छिलका जो है ना रिमूव कर लूँगी। इसके बाद कीमा डाल के ना और मैं इसको ढक के चढ़ा दूँगी। कीमा क्योंकि हाथ का कुटा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, इसलिए मैं इसको ढक के रख दूँगी यहाँ तक कि थोड़ा सा अपने ही पानी में गल जाएगा। मैंने कोई भी पानी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इसके बाद मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, मैंने सूखी मतलब पीसी हुई मिर्च डाली 1 चम्मच और कुटी हुई मिर्च डाली 1 चम्मच, हल्दी डाली और 1 चम्मच मैंने नमक डाला, और मैंने धनिया जो है ना हाथ से क्रश करके वो भी ऐड कर दिया है। धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। और दाल में देखें हल्का हल्का सा घी निकलना शुरू हो गया था, तो ये मैंने लिया है 2 कप चीनी, 1 कप मैंने फुल क्रीम पाउडर जो होता है नीडो वाला वो लिया है, और कार्डमम पाउडर मेरे पास ऑलरेडी था। और देखें देसी घी जो है ना वो निकलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आपने चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी है, चीनी भी और साथ में फुल क्रीम मिल्क पाउडर भी ऐड करना है। आप एवरी डे भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से फिर से भूनूंगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। और
और देखें किस तरह से इसने लेस पकड़नी शुरू कर दी है हलवे ने। तो इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें 2 कप जितना दूध मैं डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। आपने छोड़ना नहीं है, यहाँ पे अच्छा खासा ज़ोर लगता है लेकिन ज़ोर लगाना है। यहाँ पे कीमा जो है मैंने भून के और इसमें मटर भी डाल दिए हैं और फिर से मैं इसको ढक दूँगी, ये अपने ही पानी में पक जाएंगे, मटर भी गल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कीमा मटर जो है ना वो बड़ा मज़े का बनता है, स्पेशली सर्दियों में बनाया जाता है क्योंकि मटर जो है वो सर्दियों में होते हैं, लेकिन अब तो खैर हर सब्ज़ी हर सीज़न में ही मिल जाती है। अच्छा, मैंने ये सूजी जो है ऑलरेडी भून के रखी हुई थी और 5 महीने पहले मैंने भून के रखी थी, आज तक इसमें ना कोई कीड़ा लगा है ना घुन लगा है, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने रखा था तो अभी तक मेरे काम आ रही है। तो मैंने 2 चम्मच सूजी के डाले हैं और इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको भूनूंगी, तो मैं जैसे कि बता रही थी कि इस स्टेज पे बड़ा ज़ोर लगता है, मतलब खूब आपने ज़ोर लगाना है। देखने में तो 2-3 मिनट की आपको लगेगी वीडियो हलवे की, लेकिन यकीन करें इसमें काफ़ी ज़ोर और काफ़ी टाइम लगा था, इस वजह से आज मैं थोड़ी सी थक भी गई थी। और बस वो बनाई पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने लास्ट में अदरक और सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ धनिया डाल के इसको फाइनल करके इसको ढक दूँगी। बस ये हमारा कीमा जो हो गया है रेडी। अच्छा, देखें जैसे ही कढ़ाई को इसने छोड़ना शुरू किया तो इसका मतलब हलवा जो है हमारा रेडी है। थोड़ा थोड़ा घी आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, इससे क्या होता है थोड़ा सा घी ऐड करेंगे तो जितना घी अंदर होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो बस मैंने हलवे को अच्छी तरह से भून लिया था और मैंने पिस्ते और बादाम जो है छोटे छोटे कटे हुए थे वो भी ऐड कर दिए इसमें, ताकि बीच में भी थोड़े से मिक्स हो जाए, बाकी मैं ऊपर भी थोड़े से डालूंगी। और यहाँ पे हलवा जो है मैंने थाली में भी सेट कर लिया था, थोड़ा सा डोंगे में भी डाल दूंगी और इसकी मैं काटूंगी कतलियाँ, मतलब इसको कट करूंगी, अभी ये ठंडा हो जाए तो फिर कट करूंगी। तो बहुत मज़े का बनता है, मैं अम्मी के घर भी ज़रूर भेजूंगी। और ऊपर मैंने बादाम जो है ना छिलका उतार के लंबे लंबे से काटे थे, मेरे हस्बैंड को इस तरह वाले बादाम जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, बस इस तरह मैंने फैला लिया। इसके ऊपर आप कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं और बादाम पिस्ते जो चाहें दिल करे आप ऐड कर सकते हैं और ये बना के रख लें और मेहमान आए तो आप उनको भी दे सकते हैं, ये खुद भी थोड़ा बहुत मीठा जैसे घर में अच्छा लगता ही है तो होना चाहिए घर में मीठा। तो बस मैं इसको सेट करके रख लूँगी, मेरा काम जो है आज ख़त्म हुआ। और जी मैंने सारे काम किचन के कर लिए हैं और मैं फिर फ्रेश हुई हूँ, फ्रेश तो पहले हो गई थी, नमाज़ पढ़ी है वज़ू करके ज़ोर की और बस खाना बना लिया है। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं और मेरी बेटी भी गए हुए हैं कहीं किसी के घर गए हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं पीछे से जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँ। और हलवा इतना मज़े का बना है ना, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और उनके इन्ग्रीडियंट्स जो है ना मैं लिख दूँगी और मैं 1 कप के साथ लिखूँगी, ठीक है, ताकि आप कम क्वांटिटी में बना के ना एक बारी खा के देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। और अच्छा, खाना जो है बन चुका है हलवे की, मैंने आपको पूरी पूरी रेसिपी बताई है मूंग दाल हलवे की और बाकी जो है मटर और कीमा ये भी बन चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का और मेरी बेटी का, वो आए तो फिर मैं खाना लगाऊं, क्योंकि आज छुट्टी थी और बेटी को मतलब छुट्टी थी उर्स की, मुल्तान में उर्स था बाउदन जिक्रिया का और आई थिंक इन्हें कही था यहाँ पार्क का था, तो इनका उर्स था इसलिए आज छुट्टी थी और अब मैं उनका वेट कर रही हूँ। अब जिस वक्त आएंगे तो फिर ही मैं खाना खाऊँगी। अभी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, वीडियो एडिट करूँगी और तो मिलूंगी मैं कल यहीं से, मतलब अपना नेक्स्ट व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर दूंगी खाना खाते हुए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।